आर्ट्स फाउंडेशन के सहयोग से पब्लिक आर्ट फेस्टिवल नागपुर कला संघ ने अपने महीने भर वीआर नागपुर में चलने वाले पहले संस्करण के शुरुआत की घोषणा की। नागपुर कला संघ 2023 शहर के कलात्मक समुदाय के प्रमुख संस्थानों और प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ साझेदारी के माध्यम से ए फाइनल बैलेंस के विषय में रचनात्मक खोज को प्रोत्साहित करता है। इसकी थीम को जलवायु परिवर्तन और स्थिरता पर विशेष ध्यान देने के साथ मानव और उनके पर्यावरण के बीच नाजुक संबंधों की जांच के उद्देश्य से चुना गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया गया। ऐसी जानकारी आयोजकों द्वारा दी गई है। उत्सव में 250 से अधिक कला प्रतिष्ठान, मूर्तियां, पेंटिंग और तस्वीरें प्रदर्शित की जाएगी। इस साल सहयोगियों में JD इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ट्रेडर्स, सिटम्बरे स्कूल ऑफ डिजाइन, मेकर्स अड्डा और MSU बड़ौदा शामिल है। इस वर्ष अपना काम प्रदर्शित करने वाले प्रसिद्ध कलाकारों में प्रकाश बाल जोशी, मुकेश परपियानी, अमन अली, विभा मल्होत्रा, प्रोफेसर राधिका वाडर और प्रोफेसर भृगु शर्मा शामिल है। VR नागपुर वेन्यू पार्टनर है और फेस्टिवल को सिनेपोलिस, सुला, वाइज नाइट्स, आदित्य मोटर्स और द एशियन किचन का भी समर्थन प्राप्त है। उत्सव का उद्घाटन VR नागपुर रामबाग लेआउट उनखाना में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। लॉन्च की शुरुआत कलाकार विनय चानेकर और उभरते कलाकारों की एक टीम द्वारा चित्रित कलाकार के अनावरण के साथ हुई। इसके बाद एट्रियम में JD इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा वेरिएबल आर्ट एक फैशन शोकेस किया गया और ए फाइन बैलेंस 2023 कला प्रदर्शनी देखने के साथ समापन हुआ। नमस्ते, मेरा नाम है सुमी गुप्ता और मैं बहुत खुश हूँ। नागपुर कला संघ का पहला एडिशन आज हमने इनॉग्रेट किया है। मिस्टर नितिन गडकरी, श्रीमान नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है। सारे स्टूडेंट्स, कॉलेजेस, प्रोफेसर्स, टीचर्स का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारों ने इकट्ठे मिलके बहुत अच्छा शो ऑर्गेनाइज किया है। आई होप के नागपुर के सब लोग आके देखें। हम लोग ये करीबन 10 साल से कर रहे हैं अलग अलग सिटीज़ में, और वर्चुअल रिटेल के जहाँ भी शॉपिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे हम कर रहे हैं। बिकॉज वर्चुअल रिटेल हमारे पार्टनर हैं, वो हमें खूब जगह देते हैं ऐसे फेस्टिवल्स करने के लिए, और इससे स्टूडेंट्स को एक मंच मिलता है जहाँ पे वो अपना आर्ट सबको दिखा सकें। और इन शॉपिंग सेंटर्स में हज़ारों लोग आते हैं तो वो सब इनका आर्ट देख सकते हैं। थैंक यू। वेन्यू पार्टनर VR नागपुर प्रदर्शनियों, कलाकार बाजार, कला कार्यशालाओं, युवा कलाकारों के कार्यक्रम और कई अन्य रोमांचक कार्यक्रमों एवं प्रतिष्ठानों के साथ कलात्मक गतिविधियों का केंद्र होगा। NBC न्यूज़ के लिए राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।